क्रोकोडाइल जंगल में ने अपनी हाथी जहाँ चमड़ों को गर्जना फाड़ कर करता है दिखाया है। वहाँ पानी में अगर घड़ियाल कोई नदी में क्रोकोडाइल होगा तो उसकी खैर नहीं, अब भी दांते दिखा दिखा करके और अपनी उपस्थिति का एहसास ये कराता है। डंका बजाता फिर अगर रहा भूल से है तुम पानी में आ गया कि मैं हाथी तो मैं तेरी यहाँ का किंग हालत हूँ। ये करूंगा। लीजिए, एक हाथी एक के हाथी के बच्चे ने बच्चे ने ये गलती कर दी और नदी में क्रोकोडाइल पैर क्या ने रख दिया, उसकी सूंड को क्रोकोडाइल ने पकड़ उसकी लिया। सूंड को पकड़ हाथी लिया। चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ो अब मुझे क्या, छोड़ो, लेकिन ये छोड़ने के अब लिए कैसे तैयार बचा नहीं जाए है। उसे। दोनों में युद्ध हाथी के चल बच्चे रहा को है, छू नहीं रहा है, दोनों में रस्साकशी हो वो रही अपने है। सूंड को छुड़ाने इतने की में बेकस एक कोशिश बड़ा करता हाथी है। आया, बड़ा हाथी आया, उसे घड़ियाल इधर हाथी ने जब पकड़ने जल में चला। पैर हाथी ने रखा, अपना सूंड ऊपर कर लिया, क्रोकोडाइल आ अब गया। क्या करेगा? हाथी ने कहा मगर कि कहानी पानी की है आओ तो मैं तो राजा हूँ। क्रोकोडाइल ने और पलटवार किया और यहाँ पे हाथी के टांग हाथी को पकड़ आक्रमण कर लिया। लिया और अब उसके हाथी करे तो क्या करे, अंत में पानी में तो वो उसका घड़ियाल यानी साम्राज्य है क्रोकोडाइल नहीं, ने हाथी के पैर को और पकड़ किसी लिया। तरह से नदी में ये हाथी दो बड़े जानवरों उसको का झुंड छुड़ाने की, चलते हाथी के रहता है। बच्चे को हाथी क्रोकोडाइल ने ले कहा कि लिया। तूने मेरे बच्चे को हाथी ने पकड़ कहा लिया ठीक है, अब है, तू मेरे वजन अब का मैं तेरी हैंकड़ी भार निकाल कर संभाल, देख। और उसके और पीठ पर हाथी चढ़ उसके गया पीठ पर हाथी। चढ़ गया। अब क्रोकोडाइल की तो अब दांते निकल गई, पुखरा गया। क्रोकोडाइल अब करे तो वो क्या बच्चे करे, को छोड़ने लगा, अब उगलने के सिवाय बाध्य हो और कोई गया। चारा नहीं है। फिर हाथी अपने बच्चे से निकल इधर ही रहा था कि दूसरा क्रोकोडाइल ने हाथी पानी में गया, उसकी सूंड क्रोकोडाइल को ने अपनी पकड़ा। बदतमीजी की, हाथी तनिक भी घबराया नहीं, उसके सूंड को पकड़ कहा कि अब लिया। तो मैं और हाथी ने कहा जमीन पर